एवरीवन कैसे हो भाई आप सभी उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे बहुत मस्त होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में अपनी पढ़ाई में तो पहली चीज तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ हालांकि वैसे तो मैंने आपको ये पहले भी बता ही दिया था बट फिर भी मैं दोबारा से आपको रिकॉल करा रही हूँ याद करा रही हूँ कि आपको मैंने क्या बताया था दिस इज इंपॉर्टेंट राइट हमारा जो टाइम है बायोलॉजी का जो आपका टाइम रहने वाला है जो कि फिक्स रहेगा वो हमारा क्या रहेगा भैया पांच से

तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा रेगुलर रहना पड़ेगा रेगुलर रहने के लिए रेगुलर टाइम चाहिए जो कि हमारा हो गया है पांच से रहा करेगा मंडे टू सैटरडे मंडे टू सैटरडे जो है आपका क्या रहेगा रेगुलर टाइम पीरियड रहा करेगा अब आपको क्या करना है सिर्फ पांच बजे ज्वाइन करना है हालांकि ये हमारा पुराना ही टाइम है ये मेरा बायो का फिक्स टाइम है कि मैं हमेशा पांच बजे ही क्लास लेती हूँ तो आपको यही यहाँ पे मिलना है ठीक है इसी चैनल पे मंडे से पांच बजे बायो क्लास होगी दिमाग में बैठा लो अपना अलार्म फिट कर लो सेट द अलार्म ठीक है और आज हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं ठीक है रेगुलर बेस पे मंडे से भैया तो आज से ही हो गया है क्योंकि कल संडे है तो मंडे है रेगुलर आज से ही हो गया चलिए शुरू करते हैं आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में कल मैं आपको मेल के बारे में पढ़ा के गई थी आई होप वो बिल्कुल क्लियर है आपको कोई परेशानी नहीं है आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देखो होता क्या है ना बच्चों को लगता है कि जस्ट लाइक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल्स के अंदर भी जो यूरिनेटरी सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो आपका सेम होता है रिप्रोडक्टिव के साथ कहीं ना कहीं मर्ज होता है परंतु बच्चा मैं आपको बता दूं कि फीमेल के अंदर जितना भी आपका यूरिनेट्री पार्ट है राइट आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो आपका क्या है तीसरा वाला जो आपका वेस्ट जहां से हम निकालते हैं यानी कि हमारा डाइजेस्टिव वाला जो पार्ट है जहां से हम वेस्ट निकालते हैं काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी ये तीनों के तीनों अलग होते हैं और एक अलाइनमेंट में होते हैं तो यहां से कई बार आ जाता है आपको ध्यान रखना है यहां पे आप देखोगे कि सबसे आगे जो हमारा है हमारा आता है यूरिनेटरी सिस्टम ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर है यहां से हमारा यूथ्रा है जहां से हम करते हैं, राइट यानी कि यूरिनेट करते हैं में, इसके लास्ट में देखो बीच को देखेंगे को देखो। पहले आगे का है, पीछ है पीछे पीछे कहते हैं, हमको मालूम फिर बता देती हूँ अब पीछे एनल होता है जहां से हम फीसल, फैसल को इजैकुलेट कर देते हैं यानी कि बाहर निकाल देते हैं, वेस्ट को बाहर एलिमिनेट कर देते हैं बीच वाला जो पार्ट है दिस पार्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट इस ये जो बीच वाला पार्ट है दिस पार्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट इसी पार्ट के बारे में हमको पढ़ना है ये तो आपको साइड व्यू दिख रहा है अगर मैं इसी को फ्रंट व्यू दिखा दू तो अगर इसी को मैं फ्रंट वे में ले आऊं तो ये हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा कि हमारा यूरिनरी ब्लेडर है ये हमारा पीछे से पीछे से हमारा कौन सा जाएगा डाइजेस्टिव डाइजस्टिव इंटेस्टाइन एनस वगैरह राइट और बीच में ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इस तरीके से ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कुछ इस तरीके से एग्जैक्ट दिखता है क्योंकि मैंने यहां से हटा दिया है अब यहां पे देखिए ये आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा तो आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में इस पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ना है तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा पे ये यूट्रस है ये फेलोपियन ट्यूब है ये ओवरी है राइट यहाँ से सर्विक्स वगैरह है ये हम देख पा रहे हैं ठीक है थीके? तो इसी को अगर मैं क्लासिफाई कर दू अगर मैं इसी को कहूं कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल के अंदर वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है तो बहुत

पर यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वो वाले ऑर्गन होंगे बिल्कुल होंगे नो डाउट प्राइमरी ऑर्गन वही जो एग बनाएंगे सेकेंडरी जो हेल्प आउट करेंगे अदर चीजों में राइट right? तो यहाँ पे फीमेल सिस्टम में क्या क्या है आपके पास ओवरी होती है एंड ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वी ऑल नो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो कि हमारे गैमीट को बनाता है ओवरी के अंदर एग बनता है एंड आपका फीमेल का एग ही हमारा गैमिट होता है इसीलिए हम इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं इसके अलावा जितने भी अदर पार्ट हैं सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आएंगे उसके बाद उस एग को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है ओविडक्ट ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं इसको हम फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं देन हमारे पास यहाँ पे सम ग्लैंड होती हैं। ग्लैंड याद रखना मेमरी ग्लैंड के बारे में यहाँ पे बात की गई है इफ इन केस समवन इज प्रेग्नेंट तो उसको अपना बेबी फीड करना होता है ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है वही हमारी ब्रेस्ट ग्लैंड के नाम से जानी जाती है तो ये ग्लैंड आपकी वही है राइट right? उसके बाद सर्विक्स वाला रीजन यूट्रस वाला रीजन वजाइनल रीजन एक्सटर्नल जेनेटीरिया ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं इनके बारे में हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं फर्स्टली हम आते हैं एक नॉर्मल से स्ट्रक्चर पे तो आपको दिख रहा होगा दिस इज ओवरी राइट ये हमारा यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है सेम इधर ओवरी दो ओवरी होती है फिलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है इधर यूट्रस यूट्रस इधर आपका सर्विक्स और इधर आपकी वजाइना ये इंटरनल पार्ट है ये कौन सा पार्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर है ये आपका इंटरनल पार्ट्स हैं ये आपके जो यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको बताए हैं वन वन बाय हम शुरु करेंगे. शुरु करेंगे हम शुरू 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 करेंगे 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 किससे किससे ओवरी 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 से से, करेंगे? ओवरी से तो अगर मैं ओवरी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो ये मैंने अभी अभी आपको बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा होता है रीजन बींग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्योंकि हमारा एग बनाता है क्योंकि हमारा क्या बनाता है एग बनाता है ओवरी जैसे स्पम बन रहे थे टेस्टीज में ऐसे ही ओवरी है बेटा ओवरी के अंदर आपके फीमेल गैमेट बनते हैं दैट इज अवम और साथ में देर आर सम हॉर्मोन्स जो आपके यहाँ पे बनते हैं कौन से कौन से हॉर्मोन होंगे वो हमारे ओवेरियन हॉर्मोन दो तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं वन इज प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन एंड सेकंड इज एस्ट्रोजन राइट ओके गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग सुजीत सार्थक रात हो थैंक यू सो मच बेटा यस अब इसके साथ में ये जो हमारी ओवरी है ऐसे हम बॉल खेलते हैं ना ऐसे बॉल तो वो फ्री होती है कहीं भी कर लेती है बट ओवरी इज नॉट फ्री एट ऑल ओवरी अटैच होती है एक लिगमेंट से तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो ओवरी है, यह है यहाँ पे देखिए आपको और अच्छे से क्लियरली दिखाई देगा कि ये हमारी जो ओवरी है ये इस यूट्रस के साथ एक लिगमेंट के साथ यहाँ पे अटैचमेंट दिखा रही है इसी को हमने लिगमेंट बोला है क्योंकि ये हमारे ओवरी को यूट्रस के साथ एड कर रहा है ज्वाइन कर रहा है ठीक है जी अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो जो हमारी ओवरी होगी हमको पता ही है सीधी सी बात है किसी भी चीज को हम डाइसेक्ट करते हैं तो देर आर सम समार्ट जिसमें वो डिवाइड करता ही करता है तो यहाँ पे भी हमारी ओवरी के दो पार्ट्स होते हैं एक तो आउटर कॉर्टेक्स पार्ट होता है एक आपका इनर मेडुला पार्ट होता है कौन सा होगा देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरीके से मान लो मैंने इस ओवरी को इस ओवरी को इस तरीके से लॉन्गेट्यूड डाइसेक्ट कर दिया है मैंने ये वाला आपको दिख रहा होगा ये, ये जिसके अंदर ये चीज नजर आ रही है आपको दिस इज आउटर पार्ट राइट अगर मैं सिंपलर बना दू स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से मैं इसको बोल सकती हूं कि यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रक्चर है बेटा एक तो ये वाला पार्ट ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये कौन से वाला पार्ट है कॉर्टेक्स वाला पार्ट है दिस वन इज आउटर पार्ट है ना और इस आउटर पार्ट में इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में एग बनते हैं एग फॉर्मेशन होती है राइट right? दूसरा हमारा मेडुला वाला पार्ट ये इनर पार्ट होता है ये जो इनर पार्ट है मेडुलर वाला पार्ट है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स होती हैं क्या होती है सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स होती हैं जो ओवरी के अंदर भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है ना स का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है तो उसके लिए चाहिए क्योंकि ब्लड किस लिए जरूरी है ऑक्सीजन लेके जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग आपके हॉर्मोन्स जो ओवरी में बन रहे हैं वो पूरी बॉडी में कैसे जाएंगे ब्लड के थ्रू जाएंगे राइट right? तो उस ब्लड के थ्रू हॉर्मोन्स का और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वेसल जरूरी होती है तो ओवरी में भी वेसल्स मिलती है पर कौन से पार्ट में सिर्फ और सिर्फ इनर पार्ट में मेडुलरी पार्ट में आपको वो दिखाई देती हैं ये चीज आपको याद रखनी है तो यहां से आप इसको रिलेट कर पाओगे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट इज मेडुला पार्ट जिसके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स है, है इस्टेक्स वाला, वाला पार्ट है इसी के अंदर अलग अलग तरीके से आपकी एग्स बनते हैं अब यहाँ पे एग्स कैसे बनते हैं ये चीज आपके जानिए क्योंकि ये चीज जानना बड़ा ही जरूरी है देखो हमने ना आपको कुछ चीजें पढ़ानी है आगे भी बट अभी भी आपको मैं थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में इंट्रो देती हूँ आपके जो गैमीट्स फॉर्म होते हैं जो गैमीट्स आपके फॉर्म होते हैं उसकी फॉर्मेशन जो होती है उसका कोई ना कोई टाइम होता है है ना जैसे कि आप बात करते हो स्प्स कब बनते हैं कब बनते हैं भैया स्पम्प्स आपको मैं कहूं तो मुझे बताओ स्पम्प्स के बनने का टाइम बताइए तो आप कहोगे मैम स्पम्प जब बनते हैं एक लड़के में तब बनते हैं कब बनते हैं कब बनते, बनते हैं।, हैं आप कहोगे मैम एग भी प्यूबर्टी पे ही बनते होंगे सबसे पहले यही दिमाग में आता है बट नो आपका जो एग बनता है वो आपका फीटस के अंदर ही बनते हैं आपके एम्ब्रियो में ही, stage में ही हमारे एग्स बन जाते हैं। ये आपको याद रखना है तो उसके अंदर ऑलरेडी थाउजेंड ऑफ एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं अराउंड सिक्सटी टू एटी थाउजेंड ऑफ एग्स हमारे अंदर पहले ही होते हैं ये चीज एक मेन है जो आपके मेल फीमेल के स्ट्रक्चर को वैसे भी डिफर कर रहा है वैसे तो है ही है बट ये भी एक पॉइंट आपका आता है राइट right? हां जी अब देखो आगे यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि भाई स्पम्स की भी कुछ फॉर्म्स होती हैं जैसे मैंने आपको समझाया था कि मेल जॉम सेल्स होते हैं अब मुझे नहीं पता किसने क्लास लगाई है कल की क्लास लगा लेना भैया स्पम्प्स भी आपके किससे बनते हैं जॉम सेल्स से बनते हैं जिसको हमने स्पर्मेटोगोनिया कहा था क्या कहा था स्पर्मेटोगोनिया कहा था कि स्पर्मेटोगोनिया से आपके क्या बन रहे हैं यहाँ पे स्पम्प्स बन रहे हैं अब आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट स्पर्मेटोगोनिया चेंज हो गया स्पर्म नहीं 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 इसके अंदर धीरे धीरे स्लाइटली कुछ चेंजेस आते हैं बहुत सारी फेजेस इसके बीच में आते हैं स्पर्मेटोगोनिया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन स्पर्मेटोजोआ मतलब की इसके बीच में भी दो तीन फेजेस है सेम फेजेस एग के लिए भी मिलेंगे एग की भी मदर सेल होगी तो एग की जो मदर सेल होगी एग का जो जर्म सेल होगा उसको हम कहते हैं उगोनिया उसको हम क्या कहते हैं उगोनिया कहते हैं ठीक है एक सिंगलर के लिए बोलेंगे तो उगोनियम ठीक है ये जो उगोनिया है ये बहुत सारी मल्टीपल फेजेस के थ्रू जाती है ऐसा नहीं है कि मल्टीपल फेजेस के थ्रू नहीं जाती है ये भी बहुत सारे मल्टीपल फेजेस के थ्रू जाती है अब इसके फेजेस कौन से कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ये आपके जाएगी प्राइमरी प्राइमरी ऊ प्राइमरी ऊ उसके बाद सेकेंडरी ऊसाइट उस एंड उसके बाद आपका डायरेक्ट एग इस तरीके से ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है ठीक है जी अब यहाँ शिट ये गलत चीज है देखो ये बहुत गलत चीज है जो मेरे को हमेशा लगता है कि कुछ लिख रहे होते हो आपका चला हैं बट एनी हम दोबारा से लिख लेंगे ठीक है हिंदी मीडियम में क्लास होती है बेटा हिंदी मीडियम पे क्लास हुई है आज भी क्लास हुई है और हिंदी मीडियम पे मैंने बहुत सारे चैप्टर कराए भी हैं कम से कम छह चैप्टर मैं करा चुकी हूँ हिंदी मीडियम पे और कल से उसकी भी रेगुलर क्लासेस रहेंगे ठीक है आज ली है मैंने तो मैंने क्या कहा आपका जब एग बनता है एग की भी कुछ स्टेजेस होती हैं एग फॉर्मेशन की भी कुछ स्टेजेस होती हैं जैसे पहले स्पर्मेट ओ सॉरी क्या लिख रही हूं मैं ऊगोनियम ऊगोनियम ओगोनियम कन्वर्ट होती है प्राइमरी ऊसाइट में देन ये कन्वर्ट होती है सेकेंडरी में एंड देन फाइनली हम कन्वर्ट कर पाते हैं किसमें एग में अब आपको लग रहा होगा कि मैम इसमें से कौन सी फेज ऐसा है जो कि फीटस में होता है कौन सा क्या है तो हम बता दो ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट एग ही हमारा उसमें बन गया नहीं 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 हमारे पास जो ऊगोनियम है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक कन्वर्ट हो जाती है ये फीटस में रहता है ये वाला पार्ट फीटस में ही होता है यानी जब कोई लड़की अपने मां के पेट में होती है तो उसी टाइम पे उसके जो ओवरी है उस ओवरी के अंदर जो स्पर्मेटो है वो प्राइमरी उठ में क्या होते हैं प्राइमरी ऊसाइट के अंदर चेंज हो चुके होते हैं पर जैसे ही ये वाली स्टेज आती है ये वाली स्टेज आती है तो यहां पे ये अरेस्ट हो जाते हैं क्या हो जाते हैं अरेस्ट मतलब पुलिस आ जाती है यहां पे अरेस्ट करने के लिए नहीं 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 ठीक है यहां पे आपका अरेस्ट पुलिस वाला अरेस्ट नहीं मतलब यही पे जो इसकी प्रोसेस है एग बनने की प्रोसेस यहां पे सीज हो जाती है सीज मतलब रुक जाना है ना स्टॉप कर जाना हॉल्ट कर जाना है ना ये वाली चीजें हमारी यहां पे हो जाती हैं क्लियर अब इसके बाद क्या होगा क्या ये आगे नहीं बढ़ेगी होगा बट ये वाला जो कन्वर्जन है ये एक महिला के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे होगा ये किस टाइम पे होगा प्यूबर्टी के टाइम पे होगा ठीक है प्यूबर्टी के टाइम पे भी कब होगा प्रायर टू तो फर्टिलाइजेशन होगा प्रायर टू तो फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि जब आपका फर्टिलाइजेशन होना होगा उस समय पे आपकी होगी चीजें क्लियर है तो आपको फिलहाल ये दिमाग में रखना है कि अगर मैम एग कह रही है एग की अलग अलग फॉर्म्स की मैं बात करूंगी अभी तो वो फॉर्म किसके बाद होगी वो प्राइमरी की फॉर्म मैंने तो अभी भी बोला कि एग जो है, से बनता है अलग अलग फेजेस से बनता है तो वही चीज आपकी यहाँ पे है तो आपके पास सबसे फॉलिकल्स यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स आपके बन जाते हैं अब चूंकि ये प्राइमरी फॉलिकल है क्योंकि ये प्राइमरी फॉलिकल है और इसके अंदर ये जो हमारा एग वाला पार्ट है ये अरेस्टेड है ये कब तक सर्वाइव करेगा देखो फीट लेके 14, 15 ईयर तक कब तक वो सर्वाइव करने वाला तो उसको सेफ्टी चाहिए ना तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या होता है कि इसके चारों तरफ ये जो हमारे प्राइमरी सेल्स हैं इनके चारों तरफ सेल्स का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है कुछ, सेल्स होते, कुछ अदर सेल्स होते हैं जो ओवरी के अंदर के ही सेल है वो इस एग के ऊपर डिपॉजिट करना शुरू कर जाते हैं जब वो डिपॉजिट करते हैं तो वन बाय वन लेयर बनती जाती है और लेयर के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज थिका। एक आपके लेयर होता है लेयर तो आपको पता होगा लेयर क्या होता है लेयर के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज कोल्ड थीका राइट right? तो आपके पास पहले प्राइमरी सेल्स थे प्राइमरी सेल्स के ऊपर ओवरी के आसपास के सेल्स डिपोजिट होना शुरू हो जाते हैं और उस स्टेज को हम बोल देते हैं थिकल थिकल सेल सेल उसको हम क्या बोल देते हैं? थिकल सेल बोल देते देते हैं हैं अब इस थिकल सेल के अंदर याद रखना इस थिकल सेल के अंदर आपके पास एग है इस एग के बाहर और इस थिका के अंदर इस लेयर के अंदर यहां पे एक वाटर लाइक किसके लाइक बेटा वॉटर लाइक सब्सटेंस यानी एक फ्लूड बनना शुरू हो जाती है और जिसको हम कहते हैं एंटरम जिसको हम क्या कहते हैं एंटरम बनना शुरू हो जाता है अब फाइनली ये एंटरम अच्छे से बन जाती है बहुत सारा बन जाता है और ये जो हमारा फॉलिकल है यानी हमारा जो सेल है ये सेल आपका कन्वर्ट कर जाता है ग्राफियन फॉलिकल में किसमें कन्वर्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है अब रिमेंबर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर हमारा वो प्राइमरी अरेस्टेड सेल है एग है साथ में लिक्विड है और ये जो ग्राफिन फॉलिकल के बाहर की लेयर है ये लेयर किसकी है ओवरी के सेल्स की लेयर है ठीक का है ये आपका, ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए राइट right? अब यहां पे आपने देखा कि हमारे पास अलग अलग स्टेजेस आए कौन सी कौन सी प्राइमोडियल थे से, से से थिक्का सेल बना थिक्का से ग्राफियन फॉलिकल बना है ना तो यहां पे जब यह इन इन फॉर्मो में जा रही थी तो ये सारे फॉर्म एक कॉमन हार्मोन बना रही थी दैट वॉज एस्ट्रोजन कौन सा एस्ट्रोजन यानी आपकी जितनी भी ये सेल्स हैं यहाँ पे थिकल सेल है ग्राफिन फॉलिकल सेल है ये एक हॉर्मोन बना रही थी दैट वॉज कॉल्ड एस्ट्रोजन तो आपके पास ये जितनी भी सेल्स हैं ये एस्ट्रोजन नाम के को बना रही थी ये चीज आपको याद रखना है अब क्योंकि थिकल सेल ज्यादा डेवलप्ड सेल नहीं है तो कम एस्ट्रोजन है बट कंपैरेटिवली ग्राफिन फॉलिकल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपका मेच्योर्ड है तो ज्यादा एस्ट्रोजन ये आपकी बना रही थी ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल आपका वो अरेस्टेड सेल आपका फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि आपका बाहर उसके बाहर थिकल सेल आ जाते हैं तो ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करने की ट्राइम करेगा तो उस पूरे फेज के दौरान एस्ट्रोजन नामक होर्मोन को वो श्रावित करेगा सिक्रीट करेगा ठीक है एस्ट्रोजन हार्मोन के अपने काम है भाई इसके अपने काम है ठीक है हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन है जिसके एस्ट्रोजन से होने हैं वो ठीक है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बट अब ये जो आपका ग्राफिन फॉलिकल है ये फॉलिकल के अंदर वाला जो एग है ये एग बाहर हो जाता है ये रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल क्यों रप्चर होता है एंटरम वेल डेवलप हो जाता है एंटरम क्या बनाता है प्रेशर कर, करता है है ना हम पढ़ते हैं ना प्रेशर के बारे में कि प्रेशर लगता है हर कहीं है है ना तो आपका ये ये है, ये हर तरफ क्योंकि हर फॉलिकल चारों तरफ प्रेशर क्रिएट करता है और उस प्रेशर से आपका रप्चर हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल और एग जो है बाहर निकल जाता है तो आपको लग रहा होगा कि ये भी ग्राफियन फॉलिकल रह गया तो ग्राफियन फॉलिकल का जो कवर था एक तो निकल गया अब पीछे जो लुटा पिटा पार्ट रह गया उस लुटे पिटे पार्ट को हम बोल देते हैं कॉर्पस कॉर्पस पार्ट कन्वर्ट हो जाता है में, और यह धीरे 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 विद इन टाइम, विद इन डेज़, फोर्टीन टू फिफ्टीन डेज नष्ट हो जाता है डिजनरेट हो जाता है आपने देखा कि यहाँ पे सेल था तो ग्राफिन फॉलिकल सेल तक वो बढ़ रहा था एग निकला ग्राफिन फॉलिकिन कन्वर्ट हुआ कॉर्पस ल्यूटम में कॉर्पस ल्यूटम अब श्रिंक हो रहा है डिजनरेट हो रहा है अब कॉर्पस ल्यूटम भी एक अलग हॉर्मोन बना रहा है दैट इज प्रोजेस्टेरोन तो कॉर्पस ल्यूटम आपका क्या बनाएगा जी प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन सिक्रीट करता है अब याद रहे क्योंकि यहां पे ये यह आपका कॉर्पस ल्यूटम लार्जली है लार्ज साइज का है तो कॉर्पस ल्यूटम ज्यादा है जैसे जैसे धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटम डिजेनरेट करता है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टरोन भी कम होती जाती है रिड्यूस होती जाती है चीज आपको याद रखनी है स्टेजेस याद कर लीजिए प्लीज पहले कॉर्पस ल्यूटम होता है बट फाइनली जब वो अबाउट टू श्रिंक अबाउट टू गायब होना अबाउट टू डिजनरेट होने वाला होता है तो उसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन उसको हम क्या कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन के नाम से जानते हैं ठीक है जी तो ये थी हमारी ओवरी ओवरी की में और कोर्टेक्स में राइट और आपको मैंने बता ही दिया है बाकी चीजें मुझे बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में आपके स्ट्रोमा में होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं ऑलरेडी अभी अल्रेड� भी मैंने बताया इसको देखो फॉलिकल्स जो आपके स्पेशलाइज होते हैं स्ट्रक्चर में उनको हम क्या बोल देते हैं ऊसाइट बोल देते हैं क्या बोल देते हैं भैया ऊसाइट्स बोल देते हैं जो मियोसिस से होता है ठीक है इट्स फाइन कोई दिक्कत नहीं है मेच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं फॉलिकल इज नथिंग अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि व्हाट इज अ फॉलिकल एक सेल जिसके चारों तरफ अ लेयर ऑफ आ गई है एक लेयर आ गई है तो दैट इज फॉलिकल सेल को ही फॉलिकल बोला गया है ठीक है अब यहाँ पे याद रखना है कि जिसके अंदर आपके सिंगल कैविटी के अंदर एंटरम आ जाता है और जिसके अंदर सेकेंडरी ओसाइड होते ठीक है ओविलेशन आउट होती है ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट हो गया टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड विथ सीक्रीट प्रोजेस्टोरॉन हार्मोन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी ये आपको याद रखना है कि आपका जो ये प्रोजेस्टोरॉन हार्मोन है ये टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड से बनता है हर मंथ प्रोजेस्टोरॉन बनाने वाला जो ये कॉर्पस ल्यूटम है चेंज हो जाता है ठीक है कॉर्पस ल्यूटम आपका ये येलो पार्ट है ये आपका हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है आपको नोट दिख रहा होगा कि फीमेल चाइल्ड जब बर्थ लेती है तो उसके अंदर 80,000 फॉलिकल्स होते हैं बट जैसे ही वो मच्योर होती है प्यूबर्टी की तरफ बढ़ती है अबाउट 400 हंड्रेड मच्योर और डिस्चार्ज ही उसके अंदर मतलब रह जाते हैं मतलब डिजनरेट हो जाते हैं ठीक है चलिए ये तो क्लियर है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हाँ एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे जो याद रखने लायक भी है कि हर मंथ एक एग ही निकलता है हर मंथ ये जो दो ओवरी हैं वन बाय वन एग रिलीज करती है एक मंथ ये करिए दूसरे मंथ ये तीसरे मंथ ये फोर्थ मंथ ये फिफ्थ मंथ ये सिक्स मंथ ये इस तरीके से ये वन वन मंथ का ऑल्टरनेट तो मंथ पे एग रिलीज करती हैं ठीक है जी मैम सी यू टी का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लगा दीजिए इन कंडीशन में सुजीत uh, so, बेटा देखो आपका क्या है ना कि ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है और इसमें कोई पैसा नहीं देना है यूट्यूब है फ्री है बिल्कुल फ्री है आप रेगुलरली आए रेगुलरली पढ़ें मोस्ट वेलकम है आपका एंड एंटरम का काम बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया नहीं है देखो हर चीज़ का काम होता है ऑब्वियसली बात है एंटरम सोचो अगर एंटरम नहीं होगा तो क्या होगा मान लो एंटरम नहीं बना तो वो लेयर से बाहर एग कैसे आएगा जो यहाँ पे लेयर की डिपोजिशन हो गई है ओवरी ने अपने सेल्स एग के ऊपर डिपॉजिट कर दिए हैं उससे बाहर कैसे निकल के आएगा एग कैसे निकल के आएगा इसीलिए एंटरम बनाया है जितना ज्यादा एंटरम बनेगा लिक्विड है प्रेशर लगाएगा है ना प्रेशर लगा तो वो रप्चर हुआ वो लेयर वो उसकी ओवरी के सेल्स की जो लेयर थी वो लेयर रप्चर हुई इसकी वजह से आपका एग बाहर निकल पाया तो मेन काम यही होता है कि वो प्रेशर प्रेशर जनरेट करता है प्रेशर बनाता है बनाता अंदर और उस प्रेशर की वजह से रप्चर ने साफ किया जाते हैं रप्चर वो हो जाएगा वहां वॉलिकल बिल्कुल क्लियर है ये चीज जी आगे देखो ओविडक्ट फाइनली मैंने आपको कहा था कि ओविडक्ट वी कैन से फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी हम इसको जानते हैं फिलोपियन ट्यूब की अगर मैं बात करती हूं तो फिलोपियन ट्यूब क्या काम करेगी फिलोपियन ट्यूब जो ओवरी ने एग रिलीज करा है जो मंथ में एक एग रिलीज करा है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी ठीक है जी हेलो फील किंग बेटा अब देखो यहाँ पे ये आपकी ओवरी है जी ओवरी इसने एग रिलीज करा तो उसको कैप्चर करने का उसको पकड़ने का काम करेगा साथ ही साथ आपका जो ओविडक्ट होता है ट्यूब होता है यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है मतलब कि स्पम के साथ हाय हेलो कहा होती है ओविडक्ट में ही होती है जी ठीक है तो आपको ये याद रखना है कि आपका पहली बात तो ये एग को कन्वे करता है ठीक है दूसरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए फर्टिलाइजेशन मतलब कि आपका आपका फ्यूजन फ्यूजन ऑफ एग एंड तो वो भी ओविडक्ट में ही होता है ठीक है अब एक बार आप इस फेलोपियन ट्यूब की मैं बात करती हूँ इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखिएगा इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला पार्ट है ना एन में भी है वैसे भी है uh, मैम मैम करेंटली इन बी एस सी फर्स्ट ईयर एंड वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन बी टेक कैन आई परस्यू बहुत डिग्री साइमिलेनियसली इफ यस देन वट इज प्रोसीजर टू गेट एडमिशन इन सेकेंडरी कॉलेज देखो तान्या अभी सो सॉरी बट मुझे अभी इतना कन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि हाल फिलहाल में ही यूजीसी के जो चेयरपर्सन है उन्होंने कहा था कि यू कैन परस्यू टू डिग्रीज साइमल्टेनियसली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बट ये नहीं पता कि अभी से लागू हो गया है या फिर इन फ्यूचर लागू होगा राइट तो ये चीज़ मैं आपको बता दूंगी ठीक है और कल बताती हूँ मैं मंडे को मंडे को पांच बजे बताती हूं आपको याद से बताऊंगी मैं डू नॉट वरी राइट अभी मुझे कंफर्म करना पड़ेगा ना फर्स्टली मैं आपको बता दूं तो कंफर्म करना पड़ेगा बिल्कुल याद है फील किंग बिल्कुल याद है अलोन बॉय फील किंग और एक्स बॉस सब याद है मेरे को तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे याद नहीं है ओके okay. चलिए यहां पे देखो ओवर डेट पे आओ भैया देखो हालांकि यूट्रस लिखा है बट हम यहाँ पे ओवर पढ़ रहे हैं ठीक है ओवीडक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि इस ओवरी के ऊपर ये तीन पार्ट है तो आपको दिखा होगा कि एक तो वाइड सा पार्ट है फिर थोड़ा कम 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 ऐसे ऐसे होता होता जाता है 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 ना तो ऐसे ही होता है कि आपकी जो डक्ट है वो थ्रू आउट सेम साइज की नहीं होती सेम विड्थ नहीं होती वो कम 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 होती जाती है जैसे ही वो यूट्रस की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे उसका जो विड्थ है उसकी जो चौड़ाई है वो कम होता जाता है ठीक है अब उसके के अकॉर्डिंगली कि कितने पोर्शन में उसकी चौड़ाई कितनी है कितनी है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको डिवाइड कर रखा है कम हुआ थोड़ा कम मीडियम साइज का है दैट इज एम्पुला एंड जो बिल्कुल ही कम बिल्कुल ही कम इज इस्थमस is याद रखना जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो आपका कौन सा है एम्पुला है वो कौन सा है एम्पुला एम्पुला वाला पोर्शन पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि वाले पोर्शन पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है एंड दैट इज कोल्ड फिम्रिया आप मैम इनका काम क्या है देखो एग ने अंडर रिलीज करा इस तरीके से पुचुक पुचुक इस तरीके से पुचुक करके अंडर रिलीज कर दिया ये इधर ऐसे कर रही है ऐसे फिम्रिया

फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुला वाले रीजन पे प्लेस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड यूट्राइन पार्ट।, यूट्राइन पार्ट वो पार्ट होता है जो कि यूट्रस में ओपन अप करता है ओपन अप करती है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है अब आगे देखो यहाँ पे यूट्रस वाले पार्ट को तो यूट्रस वाले पार्ट को अगर आप देखते हो तो दिस पार्ट इज यूट्रस पार्ट ठीक है ये वाला पार्ट कौन सा है जी यूट्रस वाला पार्ट ये वाला पार्ट इतना ठीक यूट्रस वाला पार्ट सबको पता है ना कि यूट्रस का क्या काम है देखो ओवरी का काम है एग बनाना ओविडक्ट का काम है उसको कन्वे करना आगे फर्दर ऑन ट्रांसपोर्ट करना तो काम क्या है यूट्रस का क्या काम है यूट्रस का काम है कि बेबी को इन्वायरमेंट देना बेबी को करना उसको मेच्योर करना यहाँ पे प्लेसेंटा की हेल्प से यह चीजें होती है यहाँ पे राइट हमको ये चीजें मालूम है अब अगर इसका मैं स्ट्रक्चर वाइज बात करूं तो आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड पियर इन्वर्टेड पियर क्या बोलते हैं नाशपाती जो खाते हैं ना जो आपकी नॉर्मली ऐसे होती है है ना और मैं इसी पियर को उल्टा कर दूं तो इस तरीके से आपका इन्वर्टेड पियर शेप का आपका यूट्रोस होता है यूट्रस के अंदर बेटा मेन चीज जो पढ़ने लायक ये है कि यहाँ पे तीन लेयर्स होती हैं तीन लेयर सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम जो कि हमारे पीरियड्स जब होते हैं एक महिला में तो हर महीने पीरियड्स की फॉर्म में जो हमको ब्लड रिलीज होता है वो किसकी वजह से होता है एंडोमेट्रियम के रप्चर होने की वजह से होता है रप्चर मतलब फट जाने से राइट बीच वाला है मायोमेट्रियम मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जब आपको क्रैम्प फील होते हैं तो वो तो आपको इसलिए होते एंडोमीट्रियम है है ना पर कुछ क्रैम्प इसलिए भी फील होता है कि हमारा जो मायोमीट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है और जो प्रेगनेंसी में बच्चा डिलीवर करना होता है तो वहां पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है मायोमीट्रियम ताकि बेबी बाहर निकल जाए और बाहर वाली लेयर है पेरोमीट्रियम बाहर वाली लेयर कौन सी है जी पेरिमीट्रियम राइट right? यही चीज यहाँ पे है इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है

मेंट फॉर नरिशिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटर फॉर दिसमेंडस एंड लार्जमेंट मतलब इतना इलास्टिक होता है नेचर में कितना ही एक्सपेंड कर सकते हैं जब सोचो इतने से पार्ट में इतना सा बेबी आ सकता है एम्पटी पॉइंट फाइव सेंटीमीटर थिक एंड लॉन्ग एंड फाइव सेंटीमीटर एब्रोड एंड टू सेंटीमीटर थिक सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्ट्रेक्टमी अच्छा आपने मुझे नहीं पता किस किसने सुना है किस किसने नहीं सुना है कई बार महिलाएं बोलती है कि ऑपरेशन हुआ है बच्चा दानी निकलवाई है वो बच्चा दानी निकलवाते हैं क्योंकि कई बार रिसोली वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज अ टाइप ऑफ कैंसर वो महिलाओं को हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली सो में से पचास uh, से ऊपर साठ तक महिलाएं होती हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है तो उनके यूट्रस को परमानेंटली निकाल दिया जाता है उसके बाद उनको पीरियड्स भी नहीं होते एंड दिस प्रोसेस दो सर्जरिकल रिमूवल इज कॉल्ड हिस्ट्रोक्टमी यूट्रस की तीन लेयर होती है आउटर पेरीमीट्रियम मिडल मायोमीट्रियम जो थिकेस्ट होती है एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर होते हैं मसल फाइबर्स होते हैं एंड अंदर वाली एंडोमीट्रियम प्रेगनेंसी के टाइम पे एंडोमीट्रीम फॉर्म करती है मेटरनल सेक्शन मतलब जो मम्मी के खाना निकलता है ना वो इस एंडोमीट्रियम से होते हुए जाता है प्लेसेंटा से यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ प्री एम्ब्रियो एंड फॉर द सब्सिक्वेंट एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट क्लियर है आई थिंक इट इज वेरी क्लियर एग्रीकल्चर की क्लास होगी तो बेटा आपको बता दी जाएगी नॉट वेरी आगे देखिए एक्सटर्नल पार्ट एक्सटर्नल जेनेटिल पार्ट सबसे इजी है है एक्सटर्नल मतलब जो बाहर पार्ट हमारे कौन से कौन से हैं आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमेशा मेरी एक ही फिक्स पिक्चर है ये वाली क्योंकि मुझे इससे क्लियर पिक्चर कोई दूसरी मिले नहीं है ना अब यहाँ पे आप देखोगे की हमारे पास बहुत सारे पार्टस है राइट और ये वाला जनरली इस बार ये वाला हिस्सा जो हमारा स्वोलन हिस्सा होता है ठीक है जो बेस हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं मोन्स प्यूबिस इसको हम क्या कहते हैं मोन्स प्यूबिस साइड में आपको लिप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे ये वाला हिस्सा दिस दिस पोर्शन एंड दिस इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा दिस इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा लेबिया मेजोरा एंड मोंस प्यूबिस दे बोथ हैव हेयर्स ऑन इट इनके ऊपर हेयर्स होते हैं देन आप यहां पे देखते हो मिडल वाला पार्ट इस वाले पार्ट के अंदर आपका मेन पार्ट है यहां पे आप देखते हो अंदर भी बट वो थोड़ा पतला होता हैतला सा और उसको हम क्या बोलते हैं माइनोरा लेबिया माइनोरा और जब हम लेबिया माइनोरा को ओपन अप करते हैं उसके अंदर हमको दो चीजें नजर आती है पहला आपका आता है वजाइनल पार्ट दैट इज जहां से हमारा एंट्री होता है वजाइना का

है ना थैंक यू सो मच एक्स बॉस यस अब एक चीज याद रखा करो जब तुम कोई चीज पढ़ रहे हो ना तो तमीज से पढ़ लिया करो ये जो तुम हराम खोरी करते हो ना मैम ये क्या है छेलू तुमको पता नहीं बट मैं वो मैडम नहीं हूं जो तुमको एंटरटेन करेगी तुम्हारी इसे धोगी ना ऑनलाइन ही ठीक है ऑनलाइन ही धो दूंगी मैं अच्छा लड़की है ये मोनिका कुमारी ये कुछ आते मेरी क्लास में जैसे लास्ट क्लास में जब हमने मेल पार्ट पढ़ा तो वहां पे पूछ रहे थे मेरे से कुछ कुछ मैम साइज इंक्रीज कैसे करें मैम प्रैक्टिकल करके दिखा दो तो वो जलील होके गए हैं तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ यू आर वॉचिंग माई क्लास इन यू आर अप टू दिस पार्ट जहां मैं ये बोल रही प्लीज बिहेव राइट अगर ये चीजें नहीं होती तो आप पैदा नहीं होते प्लीज रिस्पेक्ट एनीवेज लेट्स स्टार्ट इट हालांकि मैं बता चुकी हूं इट इज ऑल डन दिस इज ऑल डन ये आप कर सकते हो ठीक है जी एंड सी एक्सटर्नल हमारा यहाँ पे फिर से आगे ये वाला सेम पार्ट है मैंने आपको बताई दिया कि वल्वा वाला पार्ट हमारा है वल्वा वही अगेन जहाँ पे हमारे फ्लैशी फोल्स होते हैं स्किन के इनर एंड लेबिया मेजोरा और माइनोरा वल्वा इज द पार्ट जहाँ पे आपके पास लेबिया मेजोरा प्लस माइनोरा इन दोनों को हम अगर एक कलेक्टिव टर्म बोले दैट विल से वल्वा ठीक है होमोलोगस टू सेक्रोटल सेक ऑफ मेल जैसे सेक्रोटल जिसमें टेस्टिस होती है ऐसे ही आपका होमोलोगस है उसके लिए ठीक है ओके लेबियल फोल्ड जो होते हैं उसके अंदर सिबेस्कस और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ठीक है क्लियर है ये बात क्लिटोरिस वी नो क्लिटोरिस सबसे ऊपर होती है माइनोरा के बिल्कुल पे होती है और ये होमोलोगस टू पीनस राइट right? वेस्ट बहुत स्मॉल होती है सॉलिड होती है कोई पैसेज थ्रू नहीं है इसका इरेक्टाइल होता है ये शॉर्ट सॉफ्ट जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है और राउंड ग्लांस क्लिटोरिस के ऊपर होता है ठीक है इरेक्ट एक्सटर्नल जेरेटेरिया में फिर आता है यूरिथ्रा एंड वजाइनल ओपनिंग यूरिथ्रा और वजाइनल ओपनिंग के अपर्चर आपकी अलग अलग है अपर्चर यानी कि होल अपर्चर यानी कि होल अलग अलग है ऊपर वाला यूरिथ्रल है नीचे वाला वजाइनल है राइट आपको याद रहना चाहिए कि आपके पास जो ये लेबिया माइनोरा वाला पोर्शन है यहाँ पे कई बार छोटा 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 दाना दाना सा होता है उस दाना दाना सा को हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड क्या बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड हम बोलते हैं और उस बार्थोलिन ग्लैंड का काम होता है क्या करना भैया एक ल्यूब्रिकेशन देना वैसे ज्यादा एक्टिव नहीं होती है बट स्टिल और आपके जो यहाँ पे लेबिया मेजोरा और प्यूबिस वाला जो पार्ट है इसके अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं एडिपोस्ट टिश्यूज होते हैं हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा बट स्टिल राइट चलिए अब देखो यहाँ पे लिख भी दिया है कि एल्केलाइन फॉर ल्युब्रिकेशन काउंटर एक्टिंग यूरिनरी एसिडिटी सिमिलर टू काउपर ग्लैंड ठीक है कौन सा किसकी होमोलोगस है किसके सिमिलर होमोलोगस का मतलब होता है सेम टू सेम उसी की जैसा कुछ कुछ काम करना है ना देन हमारा फाइनली आती है मेमोरी ग्लैंड दिस इज फाइनल वन मेमोरी ग्लैंड की अगर मैं बात करती हूं तो हमको आगे से कुछ इस तरीके का नज़र आता है मेमरी ग्लैंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारा फैट यहाँ पे होता है मसल्स हमारी यहाँ पे होती हैं राइट और मिल्क प्रोडक्शन भी यहीं पे होता है तो पहली चीज़ तो आपने एक चीज़ लंग्स वाली देखी होगी कि हमारे लंग्स होते हैं यहाँ से आपका लंग्स वाला पाइप जाता है है ना आपका क्या बोलते हैं वन पाइप जाता है दो ब्रोंची आई में डिवाइड हो जाता है फर्दर ऑन फिर डिवाइड करता जाता है फाइनली में कन्वर्ट कर जाता है एलवोली वर्ड पढ़ा होगा वो एलवोली यहाँ पे भी होती है जैसे वहां पे आपका था वैसे यहाँ पे भी है बार्थल इंग्लैंड इन होती है आउट साइड बेटा आउटसाइड लेबिया मेजोरा और माइनोरा के बीच में लेबिया मेजोरा और माइनोरा के बीच में वोजाइनल पार्ट के बाहर वजह के अंदर नहीं होती बाहर होती है आउटसाइड होती है ठीक है इसीलिए आपने देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी अगर आप किसी को ध्यान है तो जब मैंने मेल पार्ट पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू कि जो पीनस पार्ट होता है उस पर जो ग्लैंड पीनस होता है उसके ऊपर छोटा 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 डोट डोट होता है कुछ बत, बंदों को लगता है या बच्चों को लगता है कि ये है ना पिंपल्स हो गए हैं मेरे पीनस पे एक्चुअली वो पीनस पे पिंपल्स नहीं होते वो ग्लैंड होती हैं और वो एनलार्ज भी नहीं होती वो दुख भी नहीं देती हैं ठीक है चलिए आगे देखो मेमोरी ग्लैंड इज लाइक दिस फ्रंटल पार्ट है ये वाला पार्ट एरोला वाला पार्ट है

बूबीज को या मैं ब्रेस्ट ग्लैंड को किसके साथ अटैच करती है रिब्स के साथ अटैच करते हैं कोई बात नहीं बट एक्सपोज इट्स ओके कोई बात नहीं एंड चलो ये तो आपको पता ही है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे आओ आगे कहीं है क्या इसको मैंने और तरीके से लगाया नहीं लगाया यही चलिए अब यहाँ पे आपको कुछ लोब्स दिख रहे होंगे देखो होता क्या है ना हमारी एलवोलीज होती है छोटे छोटे छोटी छोटी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल छोटा छोटा दाना सा दाना सा आपको दिख रहा है यहाँ पे भी आपको छोटी छोटी एल्वोलीज दिख रही है ये वन 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 ये जो एल्वोलीज है ये जो छोटा छोटा पार्ट है बेसिक पार्ट है इसको हमने कहा एल्वोली और इस एल्वोली के अंदर मिल्क प्रोडक्शन होता है अभी बहुत सारी एल्वोलीज एक लोब बना लेती हैं तो ये आपकी बहुत सारी एल्वोलीज ने एक लोब बना दिया और इन लोब्स से इन एल्वोलीज से एक आपकी पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम कहते हैं डक्ट, जो कि फर्दर ऑन कुछ डक्ट्स फिर से फ्यूज हो जाती है एंड देन बना लेती है एम्पुला और एम्पुला फाइनली बहुत सारी एम्पुला फ्यूज हो जाती है किसके अंदर लेक्टीफेरस डक्ट के अंदर और हमारा निप्पल के थ्रू ये सारा मिल्क बाहर निकल जाता है आई वॉन्ट टू थैंक यू मेरा एडमिशन किया थैंक यू सो मच बेटा फॉर गिविंग मी इतना सा क्रेडिट बाकी ये भी आपका ही है इट्स ऑल यू जिसने इतनी मेहनत करी यस यो नहीं बोलते हैं बेटा विधि यो नहीं बोलते हैं वजाइना को चलिए अब इसको देखें एक बार ये तो बहुत इजी है इसमें कुछ भी नहीं है बस एक चीज याद करनी है एल्वोली बहुत सारी एल्वोलीज बनाया लोब लोब से निकली मैमरी डक्ट डक्ट बनी एरोला में एरोला लेक्टीफर्स डक्ट सीक्वेंस याद करना है और कुछ नहीं करना है यहां पे ठीक है जी आगे देखो मैम function फंक्शन है फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल्स मेमोरी मेम्बर्स और तभी एक्टिव होता है जब कोई प्रेग्नेंट होता है बच्चा होता है उसके अलावा एक्टिव नहीं होता है दो मेमोरी ग्लैंड्स हमारे पास होती है लेफ्ट राइट राइट ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है ऐसी बात नहीं फैट नहीं होता है फैट होता है समटाइम आपने देखा होगा कि देयर आर सम फीमेल्स जिनकी पहले बहुत वो मोटी सी थी तो अलोंग विद

मेमोरी ज्वाइन करके बनाती है क्या एम्पुला एंड एम्पुला ज्वाइन ही बनाती है डक्ट एंड जिससे हमारा मिल्क निकल जाता है बाहर क्लियर यूपीएससी क्वेश्चन के लिए मैथ और इंग्लिश आना जरूरी है हर सब्जेक्ट आना जरूरी है यूपीएससी इज बहुत अलग सा डिफरेंट वाला दुनिया राइट right. आप देखो यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल देखो एक बार आपकी जो जितनी भी चीजें हैं ये किस वजह से हो रही है क्या हो रही है एक हॉर्मोनल कंट्रोल देखो आफ्टर दैट विल बाइंड अप द सेशन देखो हर हाँ चीज काम कर रही है ना उसके पीछे इज अ रीजन दैट इज हॉर्मोन बोलते ना एक आपने मूवी में डायलॉग भी सुना होगा कि हार्मोन का लोचा है बाबू भैया हार्मोन का लोचा है ना मतलब हार्मोन का ही खेल है ये सारा और किसी का खेल नहीं है आप किसी को देख के उत्तेजित हो रहे हो वो भी हार्मोन है कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा वो भी हॉर्मोन है भूख लग रही है वो भी हॉर्मोन है नींद आ रही है वो भी हॉर्मोन है एवरीथिंग इज हॉर्मोनल इन आर बॉडी तो हम बोल सकते हैं कि हम हॉर्मोनल कंट्रोल्ड ह्यूमन बींग्स हैं, क्रिएचर्स हैं, तो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका काम चलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं देखो हमारा ब्रेन है ब्रेन के अंदर हमारा एक पार्ट आता है दैट इज कोल्ड हाइपोथैलमिस हाइपोथैलेमस हमारी नींद के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर इन सब चीजों के लिए रिस्पांसिबल है बट आल्सो हाइपोथैलेमस बिहेव लाइक एंडोक्राइन सेल्स वो कुछ हार्मोन रिलीज कराता है दैट इज कॉल्ड जीएनआरएच यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रापिन रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीजिंग हार्मोन जाके गिरता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे एंटीरियर पिट्यूटरी पे वो भी पिट्यूटरी दो तरीके की होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है राइट right? ये वाली एंटीरियर होती है ये वाली पोस्टीरियर होती है तो इस वाले हिस्से पे गिरता है जाके और ये वाला एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जैसे ही गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH गिरता है वो हार्मोन रिलीज करता है दो तरीके के अलग से एक एफ एस एच और एक एल एच एल एच लूटनाइजिंग हॉर्मोन एफ एस एच फॉलिकल स्टूमोन नाम से पता चल रहा है एक लूटने का काम करेगा और एक आपका किसी फॉलिकल को स्टूमुलेट करने का काम करेगा अब यहाँ पे लुटेनाइजिंग का काम लूटना एक्चुअल में नहीं होता बस ये याद कराने का तरीका है ठीक है ल्यूटेइजिंग का काम होता है किसी चीज को मैच्योर करना हेल्प आउट करना किसी चीज को ठीक है ऐसा नहीं है अब ये जो एफएसएच है ये एफएसएच गिरेगा ओवरी पे और ये एलएच भी गिरेगा ओवरी पे ठीक है तो आपका जो एफएसएच है इसकी वजह से वो जो आपके प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे ठीक है और उसके बाद जो एलएच होगा इस एलएच की वजह से और अंदर एंटरम की वजह से आपका फॉलिकल फट जाएगा लुट जाएगा पिट जाएगा और वहां से एग निकल जाएगा क्लियर है अब वहां से आपके ओवरी से तो रिलीज होने ही होने, ये तो है, तो चलो मैम मैं आपको डॉक्टर होना चाहिए था बेटा डॉक्टर ही थे हम और छोड़ के आए <laughs> बट हाँ मुर्दों की डॉक्टर थी मैं, मैं जिंदो की डॉक्टर नहीं थी आई वॉज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट राइट फोरेंसिक एक्सपर्ट आई थिंक आप सबको पता होगा वो मैं थी और मैं छोड़ के आई हूं उसको यहाँ पे <laughs> चलो तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास और गाइज ये हमारी जो क्लास है ये रेगुलर बेसिस पे होती है पांच से छ बजे राइट और जो बच्चा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकता है या करना चाहता है देन यू आर मोस्ट वेलकम यू आर हैविंग अ वाई सिक्स नाइन सेवन एस आपको मैं बता देती हूँ वाई सिक्स नाइन सेवन एस एस का मतलब क्या है सोनिया चहल क्या मतलब है एस का मतलब सोनिया चल राइट मेरा नाम है सोनिया चल ना इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट मिलता है अब देखो होता क्या है ना आप यहाँ पे पढ़ लोगे आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए आपको मॉक टेस्ट भी सब कुछ चाहिए क्या नहीं चाहिए बुक्स चाहिए सब कुछ चाहिए भैया है ना तो जब उसको बाय करोगे तो आपको वहां पे ज्यादा पैसा ना देना पड़े सेवेंटीन परसेंट का ऑफ यानी कोई चीज़ सौ रुपए की है तो आपको सत्रह रुपए की डिस्काउंट दे, दे दिया जाएगा ऐसे वाला सिस्टम ये है ठीक है आपको करना क्या है आपको जाना है वेबसाइट uh, पे मेन वेबसाइट पे जाना है आप डालोगे ट्वेंटी फोर सेवन तो यहां पे पहले वाले ऑप्शन पे टैप देन ऑल कोर्स अरे हो जा ऑल कोर्स अंडरग्रैड में जाना सीयूटी पे सीयूटी साइंस हिंदी का कोई पेड बैच आया नहीं है लेट मी टेल यू बट हिंदी मीडियम की क्लासेस भी मैं आपकी लेती हूँ दो से तीन बजे मैं क्लास लेती हूँ सीयूटी हिंदी मीडियम पे राइट right? अब यहां पे आपको दिख रहा होगा ये श्रेष्ठ बैट बैच श्रेष्ठ बैच ले लो ये जो अभी आएगा है ना ये 16 अगस्त से होगा श्रेष्ठ बैच जो है 16 अगस्त से लाइव होगा अभी लाइव नहीं आना श्रेष्ठ जो है सोलह से आएगा सोलह तारीख से सोलह अगस्त से आपका बिल्कुल फ्रेश बैच आपको मिल जाएगा ठीक है बिल्कुल नए नए हिस्से से आप पढ़ोगे बट आपको चाहिए नहीं मैम इतना कौन वेट करेगा पहले कोई चल रहा हो तो रनिंग वाला दे दो तो इसके अलावा आपको अगर रनिंग में कोई चाहिए तो आप यहाँ पे स्मर्थ बैच ले सकते हो बट मैं आपको कहूंगी श्रेष्ठ वाला ले लो क्योंकि बात तो वही पढ़नी है बेटा है ना बिल्कुल फ्रेश लाइव पढ़ना अब यहाँ पे स्मर्थ लो या श्रेष्ठ लो कोई दिक्कत नहीं है अभी स्मर्थ चल रहा है श्रेष्ठ चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब यहाँ पे इनके फीचर्स बड़े अच्छे हैं देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका एक्चुअल फी दिखाती हूँ आपको मैं एक्चुअल फ़ी इसका दस हज़ार है बट यहाँ पे कुछ कोड होते पंद्रह परसेंट का बट हम सत्रह लगाएंगे वाई सिक्स नाइन सेवन एस ये हमने लगाया अप्लाई करा ठीक है हमने यहाँ पे पाया कि हमारा डिस्काउंट हो गया भैया अरे भैया तुम क्यों आते हो तुम क्यों आते हो ठीक है अब ये हमारी जो फी है ये फ़ी बहुत कम हो गई है ना आपको दिख रहा होगा कितना फ़ी हो गया इसका है ना जो पहले इसका एक्चुअल जो फी है एक्चुअल फ़ी आपका थोड़ा ज़्यादा है इसका एक्चुअल फी ये दस हजार कुछ है पर अब हमने जैसे ही कोड लगाया तो यहाँ पे हमारा कोड लगने की वजह से ये वाई सिक्स नाइन सेवन एस की वजह से ये आपका आठ हजार सात सौ कुछ हो गया अब इसका पीरियड देखो कितने टाइम तक है ये आठ हज़ार कैलकुलेट करते हैं ना ये आठ हजार सात सौ बारह जो है ना ये आपको बारह महीने के लिए मिलेगा यानी अगर आप आज ये कोर्स ले रहे हो तो ठीक बारह महीने तक आपका ये चलेगा ठीक है तो बारह महीने तक देखते तो बारह तो तो रुपए का भी नहीं पड़ा बारह सौ रुपए का भी नहीं पड़ा ये मतलब हजार रुपए पर मंथ भी नहीं पड़ा नाइन हंड्रेड या नाइन महीने एट हंड्रेड समथिंग कुछ पड़ा आपका पर मंथ पर मंथ है ना अब यहाँ पे भी देखो इस एट हंड्रेड पर मंथ में आप क्या क्या पढ़ रहे हो इसके अंदर आप पढ़ रहे हो इंग्लिश हिंदी आपके डोमेन्स आप जीटी यानी सात से आठ सब्जेक्ट आप आठ सौ रुपए में पढ़ रहे हो आपको अगर मैं कहीं ऑफलाइन या कहीं दूसरे उसमें देखूं तो एक सब्जेक्ट के लिए आप 500, 600 या 800 रुपए रुपये देते हो बट यहाँ पे आपको 800 रुपए देने हैं जहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी आपका फर्स्ट सेक्शन लैंग्वेज वाला जीटी वाला और आपका डोमेन सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाना है ठीक है तो इट इज़ वेरी हेल्पिंग और आपको पता भी होगा कि मैं खुद से शेखी नहीं भगा रूंगी बट येस सी यू टी ट्वेंटी फोर सेवन ने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं सबसे ज़्यादा परसेंटाइलर हैं और स्पेसिफिकली बायो की मैं बात करूँ तो बायो के तो इमेंस नंबर ऑफ परसेंटाइलर्स रहे हैं राइट और अगर मैं आपको मेल दिखाने लग जाऊँ तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाली लड़ी ही आपको मिल जाएगी यहाँ पे तो आई होप यू विल गेट योर स्कोर टू हंड्रेड आउट ऑफ टू हंड्रेड एंड ये आपका बोर्ड में भी हेल्प आउट करेगा और सीट में भी हेल्प आउट करेगा तो नॉट टू यूज द कोड कोड ये आपको आपको याद रखना है है कि आपको यही लगाना है, कोई कुछ कहे कुछ भी लगाना हो बट आप यही लगाओगे राइट right? तो मिल्फ क्या होता है मिल्क बट आपकी मम्मी है है ना वेद प्रकाश मिल्क बताते हो क्या होता है, है, है आपकी मम्मी अब आपकी मम्मी ज्यादा बुढ़ी तो होगी नहीं ज्यादा जवान भी नहीं होंगी है ना तो वो वाली कैटेगरी मिल्फ होती है तो योर मोम इज मिल्फ चलिए तो ये थी हमारी क्लास एंड अभी हम मिलेंगे दो मंडे से पांच बजे पांच से छ और आज के लिए इतना ही एंड अपने मन में करना सोचना लग जाओ तो लग जाओ देर इज टू थिंग्स वन डे और डे वन वन डे मतलब कि अगर ऐसा एक दिन करूंगा होगा होगा तो होगा एंड डे वन यानी आज मैंने शुरू कर दिया है